नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज टूर पर है, जहां दोनों टीमों के बीच टेस्ट, वनडे और टी20 मैच की सीरीज खेली जानी है। सबसे पहले दो टेस्ट मैच की सीरीज 12 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन उससे पहले भारतीय टीम थोड़ी मस्ती करती हुई भी दिखी और इस समय टीम इंडिया बारबाडोस में मौजूद है और वहां पर अपनी तैयारियों में लगी हुई है। इस दौरान भारतीय टीम वेस्टइंडीज के एक महान खिलाड़ी से मिली। कौन है वो खिलाड़ी, आइए जानते हैं। टीम इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी वेस्टइंडीज के अपने समय के महान ऑलराउंडर सर गैरी सोबर से मिले। इस वीडियो में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शार्दुल ठाकुर, शुभमन गिल और अश्विन समेत कई खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ गैरी सोबर से मिले। और बता दें कि सोबर्स खास भारतीय खिलाड़ियों से ही मिलने यहाँ पर पहुंचे थे, साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। अगर बात सर गैरी सोबर्स की जाए तो 1936 में बारबाडोस में जन्मे सर गैरी सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 1954 से लेकर 1974 तक क्रिकेट खेला और कुल 93 टेस्ट मैचों में सर गैरी सोबर्स ने 57.78 की औसत से 8032 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 26 टेस्ट शतक निकले। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने 235 विकेट चटकाए और 6 बार 5 विकेट हॉल भी हासिल किया। गैरी सोबर्स ने अपने करियर के दौरान कई ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज भी कायम है और लोग उनके कायल हैं। सर गैरी सोबर्स पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने पहले शतक को ही 13 शतक में बदल दिया था। गैरी सोबर्स ने साल 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ 365 रन की नाबाद पारी खेली थी। यह उनका टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक था और उन्होंने इसे 13 शतक में तब्दील किया था। गैरी सोबर्स सबसे युवा खिलाड़ी भी रहे 13 शतक लगाने वाले। सोबर्स ने यह कमाल सिर्फ 21 साल 213 दिनों में किया था। गैरी सोबर्स पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 8000 रन का आंकड़ा छुआ था। आपको बता दें कि गैरी सोबर्स पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के भी लगाए थे। यह रिकॉर्ड उन्होंने साल 1978 में काउंटी क्रिकेट में बनाया था। गैरी सोबर्स ने ऑलराउंडर के तौर पर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। सोबर्स ने जून 1966 में इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 722 रन, 20 विकेट और 10 कैच पकड़े थे, जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। वहीं सर गैरी सोबर्स ने केवल एक वनडे मुकाबला खेला जिसमें वो सिर्फ एक विकेट लेने में सफल रहे थे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।